वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त मैं हूँ एलपी में। जी हाँ, एलपी में। एक्चुअली बैंगलोर से एलपी आई थी, दो दिन यहाँ स्टे की। इसका भी ब्लॉग जा चुका है मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोची यहाँ से, तो बस अभी होटल में है, अभी आप देख लो होटल रूम में है। तो बस यहाँ से हम लोग अब निकलने वाले हैं, 12 बजे एग्जिट है, तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में जरूर बने रहना। चलिए मिलते हैं। फाइनली हम लोग होटल से निकल चुके हैं और होटल बहुत ही खूबसूरत था। एलपी में जिस होटल में हम लोग रह रहे थे, बहुत खूबसूरत होटल था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर देख लेना, बहुत ही खूबसूरत होटल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड। जी हाँ, हम लोग को कोची का बस पकड़ना है। सोचे कि बस से ही चले जाते क्योंकि बस का भाड़ा 100 रुपीज पर पर्सन है। 2-3 घंटे का रास्ता ही है, 3 घंटे भी नहीं होंगे, 2 घंटे होंगे। तो बस का इंतजार कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग बस स्टैंड तो आ चुके थे पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें पता ही नहीं थी कि बस कहाँ पर आएगी, क्या आएगी। एक्चुअली यहाँ लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। इंग्लिश आता भी है इन लोगों को लेकिन उतना ठीक से बोलते नहीं है ना समझते हैं। तो हम लोग स्टेशन मास्टर के पास आए हैं पूछने के लिए कि कोची की बस कहाँ से आएगी, कितने बजे। तो वो लोग बोले ना कि 5-5 मिनट में आते रहती है या 30-30 मिनट में आते रहती है। तो हम लोग एक एक बस वाले से पूछ रहे थे कि कोची की बस कौन सी है, कोची की बस कौन सी है। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे थे। हम लोग 1 घंटे तक बस स्टैंड पे घूमते रहे, रियली बता रहे 1 घंटे तक। किसी को नहीं पता कि कोची की बस कितने बजे आएगी। तो फिर हमें लगा था भूख, तो हम लोग आ गए थे, बगल में रेस्टोरेंट था तो वहाँ खाने। ये देखिए मसाला डोसा है, तो मसाला डोसा भी अलग तरीके का था, लगता है बीटरूट डाला था उन्होंने, क्योंकि ये रेड रंग का मसाला डोसा था। अंदर में जो स्टफिंग थी ना, वो लगता है बीटरूट उन्होंने डाला था। तो बस हम लोग अभी खा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर से बस खोजने लगे। बार बार हम लोग स्टेशन मास्टर के पास जाते थे पूछते कि बस कब आ रही है, तो वो बार बार बोल रहे कि 1 नंबर पर आएगी, आप लोग जाइए वहीं आती है। वहाँ जितने बस आ रहे थे वहाँ हम लोग पूछ रहे थे, दम दिमाग का दही हो गया था, दिमाग खराब हो गया था कि क्या करें पूरा। देखिए कितना परेशान है प्रियांशु, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बस खोज रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बस तो मिली नहीं, तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो कैब बुलाते हैं। कैब एक्चुअली 1300 ले रहा था तो बस हम लोग कैब के लिए अब ऑर्डर करें। ये देखिए यहाँ पे बहुत प्यारी बच्ची बैठी थी, बहुत ही प्यारी थी। तो ये देखिए हम लोगों की कैब आ चुकी है और कैब से हम लोग जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग बस पर इंतज़ार किए, बस नहीं मिला, तो फाइनली फिर हम लोगों को कैब करना पड़ा। ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। जब हम लोग गाड़ी में बैठे इतना अच्छा लगा, फाइनली बहुत ही राहत मिला। आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है गाड़ी में बैठ के तो बस हम लोग कोची निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ आते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली हम लोगों ने सर्च भी किया था तो यहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो फिर आगे देखिए, अब हम लोग कोची जा रहे हैं बाई कार, तो आप लोग मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए।
फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। रीच होटल का नाम है कोचीन में। बहुत ही अच्छा होटल है, साफ सुथरा है, अच्छा लगा। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं अब यहाँ पर। हम लोग ऑलरेडी हम लोग बुकिंग कर चुके थे। एक्चुअली हम लोग ये करते हैं कि कहीं भी हम लोग को घूमना होता है तो हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। वो इससे ये होता है कि थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है और राहत भी मिलता है कि डायरेक्ट जाओ और आराम से होटल में चले जाओ, होटल खोजने का प्रॉब्लम नहीं रहता। तो ये देखिए हम लोग होटल में जा रहे हैं, सॉरी रूम में जा रहे हैं। कोची पहुंच गए हैं। एक्चुअली बहुत गर्मी था और अभी आया है तो अच्छा लग रहा है। होटल में चल रहा है एसी, पंखा सब चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अभी तो हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और सामान वगैरह रख दिए हैं और जा रहे अभी लंच करने, क्योंकि एक्चुअली भूख लगी है। मॉर्निंग में भी ज़्यादा कुछ खाए नहीं थे, मसाला डोसा खाए थे बस। तो अभी जा रहे हैं लंच करने, तो चलिए दिखाते हैं कहाँ लंच करने जा रहे हैं। कोची में, हम लोग कोची में इस वक्त, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग होटल से निकलने के बाद रेस्टोरेंट खोजे तो थोड़ी दूर पे हम लोग को एक मिला नॉनवेज चिकन कॉर्नर, पर उसका हम लोग कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम लोग फिर आगे गए तो कुछ दूरी पर एक वेज रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, तो फिर हम लोग वहाँ गए। खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग तीनों मिलके यहाँ पे खाना खाए, इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग होटल चले गए। आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खाना शुरू कर रहे हैं।